प्रशासन शहरों के संग अभियान में कॉलोनियों के नियमन में बाधाओं को दूर करने के प्रयास है और इसके लिए एक बार फिर से राज्य सरकार निकायों को आदेश और स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भूमि का पट्टा मिल सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रशासन शहरों के संग अभियान का अभी चौथा चरण चल रहा है। इस अभियान में अब तक निकायों ने करीब 8,65,000 पट्टे जारी कर दिए हैं, जबकि अभियान का लक्ष्य 10 लाख से अधिक पट्टे जारी करने का है। अभियान को लेकर मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं। यूडीएफ सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया। इस कमेटी में भी नियमन में आ रही बाधाओं पर चर्चा कर समाधान निकाला जाता है। कमेटी की बैठक और निकायों से मिले फीडबैक के आधार पर एक बार फिर से नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्टीकरण और आदेश निकायों को जारी किए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अब सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों के भूखंडों का पट्टा मिल सकेगा। 1 जुलाई 2022 से पहले निकाय ने कॉलोनी का प्लान स्वीकृत कर दिया है। ऐसी कॉलोनी में 300 वर्ग मीटर के बड़े भूखंडों का भी निकाय पट्टा दे सकेंगे। अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे पुरानी आबादी मानते हुए दिए जाएंगे। इसके लिए पहले निकाय भूमि के खातिदारी अधिकार निरस्त करेंगे, इसके बाद फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जा सकेंगे। लेकिन अगर कॉलोनी कृषि भूमि पर बसी हुई है और खातेदारों के नाम से दर्ज है, तो ऐसी भूमि का भू राजस्व अधिनियम के तहत भू रूपांतरण का नियमन किया जाएगा। किसी सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनी के 80% से अधिक भूखंडों का निर्माण हो चुका है तो सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट के बजाय 20 फीट ही मानी जाएगी। कॉलोनी के नियम के लिए लेआउट प्लान की स्वीकृत करने की जरूरत नहीं होगी। सर्वे के अनुसार बसावट के आधार पर पट्टे जारी किए जा सकेंगे। गोचर, कब्रिस्तान, शमशान और रास्ते की भूमि पर अगर कॉलोनी बस चुकी है तो निकाय ऐसी कॉलोनियों का नियमन कर सकेगा। अगर यह भूमि रिक्त है और मौके पर दर्ज किस्म के अनुसार उपयोग नहीं हो रहा है तो निकाय इस भूमि पर खुद की योजना सृजित कर सकेगा और योजना सृजित कर भूखंडों का आवंटन कर सकेगा। निकायों को जारी आदेश और स्पष्टीकरण में कच्ची बस्तियों में पट्टे देने की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। जिन कच्ची बस्तियों को निकायों ने डीनोटिफाई किया है, ऐसी बस्ती में 110 वर्ग गज तक के भूखंड का पट्टा पहले जारी किया जाता है तो कब्जे के अनुसार अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक की भूमि का पट्टा दिया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक को 110 वर्ग गज के अलावा शेष भूमि की राशि देनी होगी। सरकारी भूमि के नियमन की दर के अनुसार ही राशि देनी होगी। इस आवंटन दर के अनुसार एक मुश्त 10 वर्ष की लीज जमा करानी होगी, जिसके बाद निकाय की ओर से फ्री होल्ड का पट्टा जारी किया जाएगा। 110 वर्ग गज के भूखंड का पट्टा देने वाले आवेदक निकाय में आवेदन करता है तो पूर्व में जारी भूखंड का पट्टा निकाय में आवेदक को समर्पित करना होगा। अतिरिक्त भूमि के लिए सरकारी भूमि के नियमन की दर के अनुसार राशि देनी होगी। इसके बाद निकाय पूरे 200 वर्ग गज के भूखंड का नया पट्टा जारी करेगा। राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में निकाय के नाम या सिवायचक दर्ज है और किस्म उसकी रास्ता है, लेकिन मौके पर बसावट हो चुकी है, तो मास्टर प्लान या जोनल प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई में भूमि छोड़ते हुए नियमन किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।